हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए मैं हाजिर हूँ आज आपको यूपीटेट 2018 जो सीरीज़ चल रही है, जो आपको 4 नवंबर को क्रैक करना है, उसकी आगे की वीडियो में। ये मैथ्स का 2017 का पेपर हम लोग कर रहे थे और इसमें पार्ट टू आज मैं लेके आई हूँ। पार्ट वन 15 क्वेश्चन हमने कर लिया था। दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आगे से वीडियोस रेगुलर होने की मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस रेगुलर रहें। चलिए, और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बार बार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पर्यावरण और विज्ञान पर जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल सके। और को बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है मैथ्स का। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे इनमें से, माध्य या माध्यमक, माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य और बहुलक, बहुलक और माध्य। तो केंद्र सेंट्रल टेंडेंसी होती है इसमें, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों, इसमें अगर कोई भी चीज़ हम लोग इसमें से हटा देंगे तो तीनों ही प्रभावित होंगे। माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों प्रभावित होते हैं। अगर हम कहीं से भी डाटा हटाते हैं, बीच में से, साइड में से, कॉर्नर में से, कहीं से भी डाटा हटाते हैं तो तीनों ही प्रभावित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो उस संख्या के अंकों का योगफल भी 3 से डिवाइड होगा, और यदि कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो उसकी लास्ट, उस संख्या की लास्ट 2 टर्म 4 से डिवाइड होंगी। जैसे कि हम पहला ऑप्शन लेते हैं 3, 3, 3, 3, 3 और 3। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9। अब ये 9 3 से तो डिवाइड होता है, लेकिन अगर हम लास्ट के दो डिजिट देखें, मैंने क्या कहा था, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के दो डिजिट देखते हैं, अगर 33 तो 33 4 से नहीं जाएगा, तो पहली वाली हमारी ये टर्म नहीं होगी। अब बची बाकी दो तीनों, तो पहले हम 3 से डिवाइड करने को देखते हैं, तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, 12, 12 3 से चला जाएगा, ठीक है। लास्ट के टू डिजिट मतलब 44, ये आप 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक तो है 444। बट एक कंडीशन और है कि इन्होंने बोला है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये वाली कंडीशन दोनों को फिलफिल करती है, लेकिन इससे छोटी संख्या 44 है। हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये भी 3 से भी जाती है, 4 से भी जाती है, तो ये वाला आंसर होगा, नहीं तो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हम 44 को अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8, 3 से नहीं डिवाइड होता है। तो अगर 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से नहीं होगी तो 4 का करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारे पास राइट आंसर है 4, 4, 4। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा। उस अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन में n। n जो होती है जितनी भी टर्म हो, किसी भी, कोई भी एक शेप बन रही हो, मान लो ऐसे कोई शेप बन रही है, ये इसका अंतःकोण हो गए, अंतःकोण इसे बोलते हैं जो अंदर कोण बनते हैं। इसकी अगर हमें योग ज्ञात करना है, इसका 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 सारे कोणों का अगर हमें योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमेशा यही फॉर्मूला रहता है, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षट्भुज हो, चाहे कितने भी भुजाएँ हैं, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूले में हम n की जगह पंचभुज है तो 5 भुजाएं हो जाएंगी, अगर n भुजाएं 6 होती तो n की जगह 6 लिखते, तो 2 मल्टीप्लाई में 6 सॉरी 5, पंचभुज है इसलिए 5, माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में n, n 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 10, 10 में से 4 6, 90 अपॉन 5,
तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो 108 आंसर आता है। तो 108, तो ये हमारे पास आया एक भुजा 108। अगर एक भुजा 108 है तो सबका योग, योग कितने, मतलब कि कितने कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5, पांच भुजाएं होगी, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण और पांच कोण। तो एक कोण अगर 108 डिग्री का है तो इनटू में 5 कर देंगे 108 को, तो पांचों कोण का योग आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 540। नंबर 4 आंसर है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 540, जो कि फोर्थ नंबर पे आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन दिया हुआ है, 19 क्वेश्चन में जो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है हमें वैसे वैसे उसी तरीके से क्वेश्चन करते जाना है, कुछ नहीं इसमें खास करना है, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो पहले लास्ट में हम दिखा देते क्या नहीं, हमें पूरे खंबे की लंबाई निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि पूरे खंबे की जो लंबाई है वो एक्स मीटर है, एक्स मीटर। अब इसने बोला है कि 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो x का 4/7 कीचड़ में धंसा है, इतना कीचड़ में धंसा हुआ है। यहाँ थोड़ी गलती होगी, भरते की जगह धसे लिखा हुआ है, धसे। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो धंसा कितना है, 4x/7, इतना भाग धंसा है, इसका 1/3 हमने बाहर खींच लिया, इतना बाहर खींच लिया। तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है, ठीक है, टोटल इतना धसा था, इतना धसा है, उसमें से 1/3 बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना, दोनों का माइनस 8 मीटर, 8 मीटर अभी भी धसा हुआ है। समझ में आ रहा है, बहुत इजीली, ये खंबा है, हमें एक्स 4x/7, ये 4x/7 पूरा धसा हुआ है, इतना हिस्सा मान लो धसा हुआ है, इसमें से 4x/7 इंटू 1/3 इतना हिस्सा हमने ऊपर निकाल लिया, ये वाला हिस्सा ऊपर निकाल लिया, तो इतना बचा है। तो ये कितना इन्होंने बताया, इन्होंने बताया ये 8 मीटर बचा हुआ है। तो टोटल में से अगर ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो हमारा नीचे वाला हिस्सा 8 मीटर ही आएगा, तो 4x/7 माइनस 7 × 3 = 21 इक्वल टू 8 मीटर। समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 4x/7 माइनस 4x/21 इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आराम से आता होगा, आप ये तो बच्चों का खेल है। तो क्वेश्चन आंसर आएगा 8x/21 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 21। x की वैल्यू मतलब खंबे की पूरी लंबाई, x क्या माना था, खंबे की पूरी लंबाई, तो खंबे की लंबाई आ गई 21। तो 21 नंबर ए, 1 इसका आंसर हो गया 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इजी है, एक ही फंडा इसमें यूज़ करना होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो मान लो कि अगर ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में, एक डे में करेंगे 1/12, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं 1+b। सिंपल से है, अगर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/12 काम होगा, मतलब ये 12 यहाँ पे जो 12 है ये नीचे इसके यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने कहा है बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तो 1/15। हमें ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 1/ करके करना होता है। और इन्होंने बोला कि सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए इक्वल टू 1/20। अब तीनों का हमारे पास आ गया है, अब ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा हमें ये निकालना है। तो अगर हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ जाती है तो हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमने माना 1 नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 और ये वाली नंबर 3, तो इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐड 1, 2 एंड 3, तो ए बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, मैं फुल सॉल्व करके बता रही हूँ, शॉर्टकट नहीं इसमें इस्तेमाल कर रही, ये ए, ये तीनों हो गया, क्या होगा 1/12
प्लस एडिंग बोथ साइड हमने किया है, 1/15 प्लस 1/20। चलिए इसको तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आपको आता ही है, ए और ए टू ए, बी बी टू बी और सी सी टू सी। तो इसको आ जाएगा यहाँ पे 2 ए प्लस बी प्लस सी, और जो एलसीएम लेके सॉल्व किया उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5 एलसीएम लेके जो सॉल्व करेंगे। तो ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/10। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/10। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। बी सी की वैल्यू अगर पता हो तो ए की वैल्यू आराम से आ जाएगी। बी सी की वैल्यू देखिए, आपको इक्वेशन 2 में आपको बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो अब आप लिख लोगे कि ए प्लस बी सी की वैल्यू क्या दी हुई थी, 1/15 इक्वल टू में 1/10 आया। अब ये वाला 1/15 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ से 1/15 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/30। तो उसी काम को ए 1/30 मतलब एक दिन में 1/30 काम करेगा, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 दिन। उल्टा कर देंगे, जैसे हमने 1/1 में किया था तो उसे वापस ले लेंगे। तो हो गया सी हमारा, इसका आंसर हो गया। आशा आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है इनमें से। तो ये हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ए ऊपर, ये है बी, ये थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, ये हमें ए दिया हुआ है ऊपर जो कॉर्नर का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, ये वाला फिगर मैं समझा देती हूँ आपको, ये सी है, यहाँ पे हमें दिया हुआ ई और यहाँ पे हमें ये ई है, और ये वाला पोर्शन हमारा एफ है, ये एफ है और ये डी है। तो ये देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ये त्रिभुज हमें दिया है, इसका मध्य बिंदु डी, एक ये बिंदु ई, ये वाला बिंदु और एफ, ये वाला बिंदु, ये तीनों इसके मिड पॉइंट है। तो इससे एक त्रिभुज और बन रहा है, मतलब कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है ये। अब इनमें से कौन सा सत्य है, ऑप्शन से हमारे पास डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब डी ई एफ मतलब ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इक्वल है। तो ये ऑब्वियस देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल, इतने हिस्से का क्षेत्रफल और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। सेकंड ऑप्शन, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब कि पूरे क्षेत्रफल का इतना जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आधा है, आधा भी नहीं है ये। तो देखिए आपको क्वेश्चन देखने में पता चल रहा होगा, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और ये फोर्थ हिस्सा, ये वाला, ये हिस्सा हमारा फोर्थ है, ये हिस्सा। तो आप ऑप्शन से पता लगाइए, तो हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/4 ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये 1/4 है हमारा, ये वाला हिस्सा 1/4 है टोटल त्रिभुज का, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है तो उनका व्युत्क्रम का अंतर बताइए क्या होगा। तो इसमें दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर 5 दिया हुआ है और दोनों का गुणनफल 36 दिया हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें निकालना है उनके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम होता है 1/x और 1/y, इसका अंतर हमें बताना है क्या होगा। तो इक्वेशन देखो कितनी, मतलब कि पता चल रही है आपको कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे तो व्युत्क्रम ही आएगा, जैसे कि ये और ये हमने आपस में डिवाइड किया।
इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये होगा, इसके अपॉन में ये अलग अलग कर देते हैं, x अपॉन एक्स वाई माइनस y अपॉन एक्स वाई, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, इक्वल टू 5/36, ये हो गया। अब यहाँ बचा 1/y, यहाँ बचा 1/x, तो हमारे पास आ गया 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 5/36, तो दोनों के व्युत्क्रम का अंतर आ गया, तो इसका मतलब कि ये वाली टर्म बड़ी है और 1x वाली छोटी है, तो दोनों का व्युत्क्रम पॉजिटिव आ गया। अगर मान लीजिए 1/x पहले आता और 1/y बाद में आता तो इसका आंसर नेगेटिव आता, क्योंकि y की टर्म बड़ी है, इसमें नेगेटिव आता तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में नेगेटिव दिया होता, इसलिए हमें इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसका ए ऑप्शन हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी सम्स को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है, वह संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये नई टेक्निक है जो हम यूज करें। सिंपल, कब जब भी हमें ऐसी संख्या बोले तो हम संख्या मानेंगे 10x + y, ये हमारी संख्या होती है हमेशा, जब भी कोई दो अंकों की संख्या बोलते हैं, क्योंकि दो अंकों की संख्या हमेशा टेंस उसमें जरूर आता है, वंस और टेंस, तो ये वंस की टर्म्स हो गई, इकाई दहाई जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये इकाई होगी, ये दहाई हो गई, इकाई दहाई दोनों को मिला के दो अंकों की संख्या बनती है। अब इन्होंने बोला उन अंकों का गुणनफल 6 है, एक अंक एक्स है और एक अंक वाई है, क्योंकि 10 तो आएगा ही जरूर, क्योंकि 10 से दो अंकों की है, एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 6। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या गया है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, संख्या ये है हमारे पास, मतलब कि 10x + y में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है, जो प्राप्त होगी संख्या, प्राप्त मतलब इक्वल टू, अंक ये हैं x और y, इन दोनों का स्थान बदल जाता है, मतलब कि y की जगह x आ जाता है और x की जगह y, बहुत ईजी है, जैसे जैसे बोला जाए बस आप वैसे वैसे करते जाओ, आपका सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। मैथ्स बहुत ईजी होती है, बस थोड़ी सी ज़रूरत होती है ट्रिक को समझने की। क्वेश्चन मैथ्स में तो सिर्फ सिंपल आपको डायरेक्शन दिया होता है कि आपको किस डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 10x - x, मतलब ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 9x, y -10y -9y, इस साइड में आने की बात की सॉल्व कर रही हूँ, प्लस 9 ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया, x - y + 1 = 0, मतलब कि 9 कॉमन हो गया तो फिर 9 उधर जाके 0 है, डिवाइड में जाएगा तो 0 का 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करने के लिए x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगी, x = y - 1, x की वैल्यू आई x = y - 1, y उधर गया और 1 भी उधर गया, तो 1 माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास दिया हुआ है हमें x की वैल्यू डालनी है, तो x की वैल्यू आई है y - 1, और यहाँ y तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आया 6 मल्टीप्लाई में जो है y² - y = 6, फैक्टर करना आपको आता है, इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = 0, फैक्टर करना आता है, 2 3 6, और 2 में से 3 माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3y + 2y - 6, ये फैक्टर आपको करने डबल, जो कि स्क्वायर वाले टर्म्स के फैक्टर करने आपको आने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सब चीज़ें आपको 10th लेवल पे 9th लेवल पे हमेशा कराई जाती हैं, तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये मामूली से क्वेश्चन ये आने चाहिए आपको। इसमें y की वैल्यू हो गई 3 और y की ही वैल्यू -2 आएगी, तो माइनस वाली टर्म हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें आंसर हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है, माइनस की टर्म हटा देते हैं, तो y की वैल्यू 3 आई। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, हमें पता था ना x y = 6,
तो y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब इधर यहाँ रखेंगे तो इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इक्वेशन क्या होगी? हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3 और y की वैल्यू आई, सॉरी x की वैल्यू आई हमारे पास 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। 10 2 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। तो हमने ये इक्वेशन मानी थी और हमारे पास 23 आंसर आ गया। देखिए फोर्थ आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, इनमें से क्या दर्शाती है? ये हो गया आयत चित्र हमारा, ऐसे बनता है आयत चित्र। अब इसकी हमें बताना है कि ये जो ऊंचाई है ये चीज़ है, ये क्या दर्शाती है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, चौड़ाई तो ये नहीं दर्शा सकती, चौड़ाई तो नीचे से पता चलती है। ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा भी नहीं दर्शाती क्योंकि कोई इधर छोटा होता है कोई बड़ा होता है तो हाईएस्ट कैसे दर्शाएगी। और निम्न सीमा भी नहीं दर्शाती। सिंपल उस वर्ग की बारंबारता मतलब कि इस, मान लो यहाँ कोई पॉइंट होता है 0 से 3, तो 0 से 3 के बीच में कितनी बारंबारता है। यहाँ से 0 से 5 हो गया मान लो, यहाँ से 3 से 5, तो 3 से 5 के बीच कितनी बारंबारता है, ये चीज़ आयत चित्र बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियों को विकसित करने देना कर ये देना चाहिए। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये भी ये नहीं करना चाहिए। किसी भी फॉर्मूले को रटने के लिए नहीं कहना चाहिए, फॉर्मूले को समझाना चाहिए और फिर बताना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज़ क्यों हुआ। तो ये आपको ऑप्शन से पता चल रहा है, कभी रटने का काम नहीं करवाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोज सके। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। इन तीन, ये तीन ऑप्शन आपको पता ही चल रहे होंगे कि ये हमें करना चाहिए एज अ टीचर, और सेकंड ऑप्शन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं? कोटि पूरक कोण होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मान लो एक एंगल है हमारे पास एक्स और एक एंगल है वाई, तो दोनों का जोड़ हमेशा 90 आएगा, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल का ऐड हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए। अब क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो ये 2 कोटिपूरक कोण है, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। अब दोनों कोण कौन से होंगे हमारे पास, हमें पता है दोनों कोटिपूरक कोणों का योग है 90 होता है और हमें 40 दे रखा है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 65 डिग्री। x की वैल्यू 65 आ गई है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन में डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री हमें पता ही है। x की वैल्यू 65 प्लस y इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो 65 और 25 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगी, इस क्वेश्चन को बहुत इजी है, आप ही लोग करिए। 1012 में बस बता देती हूँ कि ऐसे ही करना है, ये तो बहुत छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड करते जाइए और जो आपको लास्ट में बैलेंस बचेगा, यहाँ तो हमारा भागफल आएगा, यहाँ जो बैलेंस बचेगा नीचे सबसे लास्ट में बिना पॉइंट लगाए वो आपका आंसर होगा। मैं आंसर बता देती हूँ, आंसर 4 आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए? किसी टीचर को क्या आंकना चाहिए? गणितीय प्रेक्षण, बिना समझे रटने की क्षमता, सॉरी यहाँ रटना लिखा हुआ है, रटना, रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणा ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर उसे मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा फिर भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि सर यहाँ क्या होगा या मैम यहाँ क्या आएगा, तो ये उसमें विद्यार्थी में टीचर को नोटिस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है।
29, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर परिसर कहलाता है हमारे, ऑप्शन 3 परिसर कहलाता है। क्वेश्चन 30, बहुत ही इजी क्वेश्चन और कई एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एसएससी, बैंक, रेलवेज, हर जगह ये क्वेश्चन जरूर आता है और उसको रट लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? नंबर 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती अपने आप के अलावा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से जाती है और किसी से नहीं जाती, तो 2 सबसे छोटी है, 2 से छोटी कोई नहीं है। तो यहीं पे आज ख़त्म होते हैं आपके ये सुपर 15, 30 तो नहीं, 15, 15 मैं पहले वीडियो में करा चुकी हूँ और आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर्यावरण का लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपका 16, 14 जितने भी मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो कंप्लीट हो जाएं। प्लस मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइनर आपको देने की कोशिश करूँगी कि आप फैक्ट्स फटाफट लर्न कर सकें और उसका रिवाइज भी कर सकें, PDF भी आपको दूंगी। चलिए, आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।